हे दोस्तों, कैसे हो। मैं अमित कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रिपेयर सीपीयू टाइमर स्लैश क्लॉक सेल। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा डेल स्टूडियो 15 का ओल्ड लैपटॉप और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको सिस्टम बूट पे एक एरर और एक वार्निंग शो हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको F1 टू रिज्यूम एंड F2 टू सेटअप का दो ऑप्शन होगा। तो हम बेसिकली F1 दबा के इसको कंटिन्यू करते हैं और ये फिर नॉर्मली तरीके से बूट होगा, लेकिन कई बार आपको ये फेटल एरर शो हो सकता है और इसके बाद आपका विंडो स्टार्ट होने लग जाएगा प्रॉपरली। कोई एरर शो नहीं होगी और आपका सिस्टम बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करेगा। यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ, पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन करूँगा। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली बिल्कुल सिस्टम जैसा होता है सबका वैसे ही है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हालांकि जब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे टाइमर जो है वो काफ़ी बैक डेट पे चल रहा होगा, 2009 में यहाँ पे डेट है, अगस्त 20, 2009 की। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है सिस्टम में वो है क्लॉक की। तो हम इस क्लॉक को चेंज करने के लिए हम फंक्शनिंग बैटरी जो आपकी है उसको निकाल दें और उसको निकाल के साइड रख दीजिए। इसके बाद हमको जो मेन सेकेंड चीज़ चाहिए वो है हमारी बैटरी। तो यहाँ पे लगती है 3 वोल्ट की लिथियम बैटरी जो कि मैक्सवेल की वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज माना जाता है। तो मैक्सवेल की आपको CR2032 मॉडल का ये आपको बैटरी लेना है और ये आपको कहीं पे भी नॉर्मली मिल जाएगी स्टोर्स पे, और मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको ईजिली मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैक्सवेल की स्पेलिंग करेक्ट हो। मैक्सेल के बहुत सारे फेक ब्रांड्स भी आते हैं जहाँ पे मैक्सेल CELL लिखा होता है या कोई और ब्रांड का नाम होता है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, आपको जब भी आप शॉप से लेने जाएँ, अपने नॉर्मल जनरल स्टोर से या कहीं से लेना जाएँ, तो वहाँ पर आपको ये लास्ट के 4 डिजिट याद रखने हैं, 2032। तो उसी के बेसिस पर आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइज़ आते हैं इन बैटरीज़ की। तो ये आपको 3 वोल्ट की बैटरी लैपटॉप्स में यूजुअली लगती है, लैपटॉप्स और आपके पीसीज में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ओरिजिनल मैक्सेल CR2032 बैटरी जो कि 3 वोल्ट की आती है। तो आपको ये परचेज़ करना है। इसके बाद हमारे को ये चीज़ चाहिए, ये है टूल्स। आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप अपने लिए एक सिंपल सा स्क्रू ड्राइवर जो आपके घरों में अक्सर मिलता है, आप उस स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस कुछ स्क्रूज ओपन करने हैं। तो लेकिन आपको ये टूल चाहिए तो मैं आपको लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मैं अपने टूल्स निकाल लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए। यहाँ पे मुझे ये स्क्रू बिट चाहिए होगा तो मैं ये इसके अंदर लगा देता हूँ, और उसके साथ ही साथ मुझे ये टोंग भी चाहिए होगा ताकि मैं उस सेल को निकाल सकूँ जो पहले इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। तो ये उस चीज़ में मदद करेगा। तो चलिए, हम अपने चीज़ हमने असेंबल कर लिए, अब हम इसको करेंगे जल्दी से फटाफट इसको ओपन करेंगे, अनस्क्रू करेंगे। ये बोर्ड बेसिकली आपके लैपटॉप के पीछे हर लैपटॉप पे मिलता है। कई बार आपका फुल फ्रेम होगा तो आपको पूरी फ्रेम खोलनी पड़ेगी, लेकिन कई बार आपको इस तरह का स्लॉट दिए जाते हैं जो यहाँ पे भी हो सकता है या ऊपर के साइड हो सकता है, कहीं पर भी होगा लेकिन वो बैक साइड पर आपको दिख जाएगा आसानी से। ये मैं इसको फटाफट अनस्क्रू कर देता हूँ। और दोस्तों, अनस्क्रू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है जो कि डैमेज है या पुरानी हो चुकी है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसको फटाफट निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। आप इस टोंग की मदद से निकाल सकते हैं, आप कोई भी ऐसा पॉइंटी चीज़ लेके कर सकते हैं, लेकिन मदरबोर्ड को डैमेज ना करें। फिर आपको ये नई बैटरी यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका शाइनी पार्ट ऊपर रहेगा और आपको इस तरह से पॉप कर देना और ये अंदर ही प्रॉपरली फिट हो जाएगी। और हमने ये इंस्टॉल कर दिया दोस्तों, ये आसानी से हो गया काम। तो अब हम फटाफट इसको स्क्रू कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको स्क्रू कर दे रहा हूँ। अब हम बैटरी स्कैन इंस्टॉल कर देते हैं फिर से। इसके बाद हम करेंगे इसको स्टार्ट फिर से। जब आप ऑन करेंगे सिस्टम तो आपका टाइम फिर से उसी डेट पे होगा जो 2009 का था, लेकिन आप इसको अपडेट कर देंगे एक बार और आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो आपको
देखने को मिलेगा कि अब की बार आपको कोई एरर शो नहीं होगी, आपका सिस्टम बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करेगा, कोई एरर नहीं दिखेगी आपको। और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा टाइमर का कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि आपकी बैटरी रिप्लेस हो चुकी है। तो बेसिकली इस बैटरी में आपका बायोस का इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होता है, इसकी मदद से आप हाइबरनेट पे सिस्टम कर सकते हैं। तो अगर आपका बैटरी ये डेड हो गया है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, और ये काफ़ी आसानी से आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।